आप जी ने There is a game called Treasure Hunt. Treasure Hunt. Have you heard of the game? एक गेम है जिन्होंने वैसे ट्रेजर हंट कहने हैं। पंजाबी विच नो आप जी की आखोगे कनान खजाने दी पाल। I don't know if it's appropriate name, but let's work with that. आप जी ने एक गेम की देखे थे ट्रेजर हंट। छोटे होंगे पता नहीं। Anybody has played this game, Treasure Hunt? ठीक है ना? Treasure Hunt जिड़ा गेम होगा ना, जिड़ा बंदा ऑर्गेनाइज करता है, उक जाने नो लुको देता है। The person who organizes this game, he hides the treasure, लुको देता है। सारा गेम बस एक गलत टिक गया है। जिस बंदे ने ट्रेजर नो पा लिया वो कौन विनर ही इज अ विनर थोड़ा जा लेट ही बी इंटरेक्टिव जिस बंदे ने वो खजाना पा लिया ना वो जीत गया ठीक है ना आर यू विथ मी ट्रेजर हंट इज अ गेम द ऑर्गेनाइजर हाइड्स द ट्रेजर जिस बंदे ने ऑर्गेनाइज किया है वो ट्रेजर नु लुको देता है खजाने नु लुको देता है ते गेम जदों शुरू होती ना बैल जदों जाती है ओ टाइम शुरू हो गया टिक 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 समा होता है कि उस समय विच जिस बंदे ने वो खजाना लभ लिया वो जीत गया इस तरह ही ना साड़ी जिंदगी एक ट्रेजर हंट का गेम है साड़े विच वो कीमती वस्तु साड़े विच लुकी हुई छुपी हुई ते साडे जीवन दे पल टिक 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 जा रहे ने नंगरे दे ते जिस बंदे ने वो खजाने नू पा लिया वो बंदा आज दी जिंदगी दी खेड ना लाइफ ही हैज वन इट ओ की खजाना है व्हाट इज दैट We're going to talk about today. So the journey of looking for the khajana. Aaj ya safar na khajane di paal da safar. Gurbani di seedh liye. Sanu gurbani ki kehndi hai. Man tu jot swarup apna mool pehchan. Aaj ya sara safar na e mool pehchan. The whole game, the whole journey, the time बंदा जो जन्म लेता है, पैदा होता है, अखीर तक वो की खेल है अपने मूल को पहचानना. The whole game is centered about around us getting to the मूल जड़. Now we understand the game of life. So समझ आ गई ना? Can somebody just sit there so that tell them whoever that's coming and उनके थोड़ा बैग और बाद में मथा टेक लें. Please be with me. जिधि मैं गाल शुरू की थी सी कि जिधि सारी ज़िंदगी दा जिधा सारा सफर ना ए मूल पहचानन दे इट्स about recognizing your inner core. ठीक है ना? You got that? Okay. Now दूसरा सवाल पहचानण दी की रुकावट है व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हु वी आर व्हाट वी आर की रुकावट है मैं ये मिसाल पहला भी दत्ती सी कि जिस समुद्र की गहराई विच जाना ना साडे विच खजाना छुपया होया इस तरह ही समुद्र की गहराई विच बड़े खजाने छुपे हुए ने बड़े खजाने समुद्र की गहराई विच जान वास्ते जिहड़ी पहली रुकावट की होंदी है शिला तरंगा वेव्स समुद्र दे वेव्स वेव्स आर द ऑब्स्टिकल्स वंस यू ओवरकम दोस वेव्स फिर की होंदा है वो गहराई विच जा सकता है इस तरह ही ना गुरु कहते ने मत विच रतन जवाहर मानक वो जिहड़े खजाने साडे विच
पर साड़ी पहुंच नहीं उत्थे तक, क्योंकि साडे मन विच जिस तरह समुंदर दीआं तरंगां लहरां ना, साडे मन विच वी लहरां ने। असीं अपने आप की गहराई विच नहीं पहुंच सकते, क्योंकि साडे विच ओह तरंगां चलदीआं ने, तरंगां। And until and unless ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ, ਵਸ ਕਰੀਏ, ਡਿਫੀਟ ਦੇ ਤਰੰਗਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਮਿਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂਆਂ, ਧੂਆਂ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? When there is smoke, can you see fire? No. But inevitable, when there is fire, when there is smoke, there is obviously fire. गहराई विच जब धुआं होए ना, इसका मतलब है कि आग थल्ले नीचे आग है, आग। इस करके धुआं, धुआं आग दा, आग दी वजूद दा सबूत है। कहते ना कि मन जड़ा है ना, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗ ਮਿਟ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਪਤਾ ਨੀ ਆਪ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੂਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਧੂਏ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਖੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੂਆਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਧੂਆਂ ਹੈ, ਧੂਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਧੂਆਂ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋਤ, ਉਹਨੇ ਜਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। To recognize that, you need to take off the tuma. Guru Sahib kehnde ne ek hi tarika hai. Oh tuve nu mitaun vaste na ek tarika hai. Oh ki tarika hai? Antarmukhi hona payega. You have to go inside, inside. Antarmukhi hona payega. Antarmukhi da matlab ki hai? Khazana kithe hai? Andar. Fir andar jana payega. अंदर का सफर करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द इनसाइड जर्नी, क्योंकि खजाना अंदर पिया है। इस करके जिहड़े बंदगी वाले पुरुष ना जदों सिमरन कराते ने, जिहड़ी पहली अवस्था है, वह कहते जे तुसी अंदर खजाना वेखना है, लभना है, अंतरमुखी होना है, अखां नूं बंद करना पड़ेगा। हां, जदों अवस्था बंदे दी हो जाती, तुरे फिरते ने वह, उन्होंने ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਧੂਏ ਨੂੰ ਬਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਰੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ अंदर लेके जा रहे, मन का टिकाओ। यह धुए नु मिटाउंदा है, धुए नु मिटाउंदा है। मन दी जो कागरता होंदी, फिर की होंदा है? फिर बंदा अंदर मुखी होंदा है। जिहड़ा असली काम ना, जिहड़ा असी बाद विच कीता सीगा, अबाउट 30-40 सैकेंड जिहड़ा असी चुप करके सुरती नाल कीता ना, अंतर मुखी होना एक्चुअली ओ है। आ जिहड़ी बोल की करना, यह तैयारी है, तैयारी। क्योंकि आम बंदे नूं जे असीं बिठा लईए ना, सिट डाउन एंड स्टार्ट डूइंग वाहेगुरु वाहेगुरु, सुत्ती नाल उहदा मन भजेगा, क्योंकि हाली उह धुआं मिटिया नहीं। उह धुए नूं मिटाउण करके असीं कीर्तन सुणदे, कथा सुणदे आ, ते वाहेगुरु वाहेगुरु दा जाप करदे, ते जे इक वारी उह ख्याल धुआं मिट जांदा है, फिर सुत्ती जुड़ जांदी, बंदा अंदर अंतर्मुखी हो जांदा है। ते अंतर्मुखी होके की हुंदा है? महापुरुषों का जीवन जी पढ़िए ना, सेध मिलती है सानू कि जिन्होंने कमाईया कीतियां, वह कहते ने जिहड़ा वाहिगुरु जप जप के जप जप के जप जप के एक लैवल ते आंदा ना, अंतरमुखी होंदा। पहली गल है, जिहड़ा अंतरमुखी होना यह भी एक जर्नी है। कहते ने जदों बैठना,
फर्स्ट ऑब्स्टिकल, पहला टोवा, पहली रुकावट की है, शरीर दुखदा है, चौंकनाड़ी मार जाता है, इत्थे पीड़ होती है, उत्थे पीड़ होती है, इत्थे पीड़ होती है, इदां करदे आपां, इदां करदे, फर्स्ट रुकावट, शरीर, ये पहली रुकावट है, दूसरी रुकावट नींद। कई एक जाते ने बैठे बैठे सो जाते ने, ये दुख दूसरी रुकावट है। हां एक होर तरह की नींद हैगी है, महापुरुष कहते ने, वो अपनी गल करांगे, उन सुख नींदरा कहते हैं, सुख नींदरा ओदी भी गल करांगे, वो एक अवस्था है, वेरी हाई लेवल सुख नींदरा, जिहड़ी आम लेवल ते पहली गल है शरीर थक जांदा है, बैठिया नहीं जांदा है, ते दूसरी जिहड़ी गल होंदी है नींद आंदी है, नींद, क्योंकि ये जिहड़ी गेम है ना ट्रेजर हंट, एक कल जो कुछ रुकावटां ने कि ट्रेजर लभ ना जाए इन्हां नूं, एक कलयुग वालों एक स्ट्रैटेजी है कि ये बंदे नूं खजाना अंदर लभ ना जाए, जी इनू पहचान होगी अपने आप की कि राम की अंश है, वो रुकावटां खड़ियां करता है शरीर, फिर नींदर, जे शरीर काबू जा गया, नींद काबू जा गई, फिर तीसरा काम की होता है ख्याल, ख्याल भजदे ने, बंदा इत्थे बैठा है, मन पता नहीं कित्थे, मैं गड्डी लेनी, कल मैं आ काम करना, आ काम करना, आ मन भजी जांदा है, दिस इज थर्ड लेवल, मन भजदा है, भजदा है। फोर्थ लेवल की होता है, जदों बंदा वाहेगुरु 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 करदा ना, इत्थे ए लेवल है जिथे वाहेगुरु 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 करना पैंदा बोल के, क्योंकि जो बोल के बंदा मन करदा ना वाहेगुरु वाहेगुरु, एदे विच महाराज ने ऐसी बरकत भरी हुई है, एदी जिहड़ी साउंड करन ना साउंड करन, ए जिहड़ी गूंज है, ए जिहड़ी गूंज है ना, ए मन नूं टिका दिंदी है, बिकॉज वी आर नथिंग बट फ्रीक्वेंसी एनर्जी, ए जिहड़ी वाहेगुरु वाहेगुरु दी गूंज आ, इट इज अ रेजोनेंस दैट ब्रिंग योरसेल्फ ब्रिंग्स आवर बॉडी इनटू सिमेट्रिकल सिंक्रोनाइज्ड स्टेट, there's a cosmic energy, there's a individual energy, it synchronizes the cosmic energy and your personal energy, the resonance, sound resonance. ते की होता है, वाहेगुरु 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 कर दिया, मैं पहला भी एक मिसाल देती है, जिस तरह सोना से कुठारी च पा के अग लगाइए, ये सोना भजदा है, क्योंकि मिलावट है, गंदगी है विच, जदों सोना पवित्र हो जाता, सोना अपने आप टिक जाता है, गुरबाणी सानू सेध दिंदी है, सोना इस करके भजदा क्योंकि मिलावट है, इस तरह ही साडा मन भजदा क्योंकि मिलावट है, जदों मिलावट दूर होगी उन्हें टिक जाना, हुण मन टिके हुए मन की की अवस्था है, नैक्सट लैवल, टिक गया ना वाहेगुरु 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 करके टिक गया, मन शांत हो गया, फिर बंदा अंतर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी होके जिहड़ी अंदरली धुन है, जिहड़ी अंदर की गूंज है, जिहड़ी चल रही है बंदे की आवाज, बंदे दी जिहड़ी सुरती उठे जांदी ते की होंदा है, स्वाद आंदा है, बंदे नूं स्वाद आंदा है, सुकून मिलदा बंदे नूं, एकाग्रता, ब्लिस, बंदा हौली हो जांदा है, खुश, इज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड ऑल टुगेदर, फिर की होंदा है, फिर एक होर सब तो वड्डी रुकावट जिहड़ी आंदी ना, इन्हें कहते सुख नींद्रा। महापुरुषों का जीवन पढ़िए, सानू गल्लां उत्थों मिलणगियां, सुख नींद्रा, सुख नींद्रा एक ऐसी अवस्था है जिहड़ी सब तो वड्डी रहस्य, वेरी कहते ना समाधि ते नींद विच ना थोड़ा जिहा हल्का जिहा पड़दा है, वेरी स्मॉल पड़दा है, सुख नींद्रा कहते, थोड़ा जिहा डायग्रेस होण लगा, अज जिहड़ी मैं गल सुना रहा ना, सारे नूं खुशी की लोड़ है, सारे नूं खजाने की लोड़ है, ते गुरु कहिंदे ने उह खजाना तुहाडे विच पिया है, साडे विच पिया है, इस करके गल नूं सुनना
हक जरूरी है कि सानू सारे नूं खजाने दी लोड़ है। गुरु कहते ने जो मर्जी होवे खजाना, मत विच रतन जवाहर मानक, रतन जवाहर मानक सारे साढ़े विच ने। इस करके गल सुननी जरूरी है। और सुख निंद्रा आ जाती है, कहते सुख निंद्रा उदो दूर होती है जो असं गुरु अगर अरदास करते हैं, बेनतियां करते हैं, सतगुरु जी बख्श दो कृपा करो, दया के घर में आओ, गुरु की मेहर नाल सुख निंद्रा जो अखीरला पढ़ता है ना वह दूर होता है। जो पढ़ता दूर होता फिर की होता है, तू आ खत्म, फिर की होता है अग। जिस तरह अग उठती ना, कहते इस तरह ही बंदे नूं अपने आप के दर्शन होते हैं, जिन्हों असी आत्मा कहते ना, जिस चीज नूं असी आत्मा कहने, कहते बंदे दी अपने आत्मा के दर्शन होते ने। उन्हें करे कहते जो शब्द ते सुर का मेल होता ना, उदों अपनी आत्मा के दर्शन आते हैं। और जिहड़ा ट्रेजर ना, ट्रेजर की गल मैं कर रहा सी, बस एक जाना है सारा जिहड़ा सफर जिंदगी दा ना, इस वास्ते हुंदा है कि हे बंदिया तू अपनी मूल पहचान ले, तू कौन है, तू अपने आप नूं भाल, अपने आप नूं लभ। जिंदगी दा सारा सफर ना बस इहदे ते टिकिया है, अपना मूल पहचान। जदों बंदे नूं अपने आप दा पता लग गया ना कि मैं कौन हां, बताते हैं, सुनते हैं, किताबों पढ़ते हैं, पर जिंदू बंदे नू एक्सपीरियंस हो जाए ना कि कमाल है, आई एम दिस लाइट, आई एम दिस जोत। कहते जो जिस वक्त महापुरुषों का जीवन जो पढ़ेगा ये गल, उतों मैं दोबारा एक गल हमेशा कहना कि यह ना सोच रहे कि स्वर्ण सिंह की एक्सपीरियंस है, नहीं, ये महापुरुषों के जीवन की गल मैं आप ही दस रहा। गुरु कृपा कर साडे उते कि साडी ये अवस्था बन जाए। सवाल पहला जिहड़ी मैं पहली गल आखी सी, इस ट्रेजर नूं लभण वास्ते की करना पएगा, अंतरमुखी होना पएगा। अंतरमुखी ते अंतरमुखी किस तरह होईदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु। इस करके वाहिगुरु वाहिगुरु जपीदा ये कोई खेड नहीं, जिहड़ा वाहिगुरु वाहिगुरु करीदा ना ये जीवन दे मनोर जीवन दे मकसद नूं मुकम्मल करन वास्ते, पूर्ण करन वास्ते, जिहड़ा सफर ना ये सफर नूं मुकम्मल करन वास्ते वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करीदा है, ये कोई खेड नहीं। आओ गुरु कृपा करे अपन दोबारा सिमरन विच जुड़िए। हुण सानूं पता लग गया कि असीं सिमरन क्यों कर रहे हां, असीं उस खजाने दी पाल विच लगे हुए हां। इस करके हुण मन जोड़ के अंतरमुखी हो के अंदर, जिस तरह बंदा अपने आप नूं गवा बैंदा ना अंदर, वी वॉन्ट टू गैट लॉस्ट विद हिम। आओ गुरु कृपा करें।